हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको ये छोटा सा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैंने ट्राई किया है पूरी कोशिश करने का, सो बस ये छोटा सा मेरा ब्लॉग है जो आज मैं शेयर कर रही हूँ। आज बस यही था कि मैं रील्स बना रही थी और मौज की थोड़ी वीडियोज़ कर रही थी, तो मम्मी ने मुझे बोला कि मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, तो मैं मम्मी की हेल्प करने के लिए आई हूँ अभी। एक्चुअली मम्मी के साथ काम करना एक टास्क होता है जिसे पूरा कंप्लीट करना ही पड़ता है किसी भी हालात में। जो छोड़िए वो सब चीज़ें, तो मैं आपको ये बता रही थी कि मतलब मम्मी का मैं हेल्प करने आई हूँ। तो हेल्प में ये था कि ये चावल हम लोग का स्टोर करना रहता है, मतलब ईयर वाइज रहता है जो स्टोर करके हम लोग रखते हैं। तो ये काफ़ी टाइम से ला के रखा हुआ था, बट इसे अंदर स्टोर करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। मतलब इसे ड्रम में भर के रखते तो उसका टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो फाइनली आज मम्मी ने वो टाइम निकाल ही लिया है। तो हम लोग अभी सारे चावल को यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं बाहर। फिर देन उसमें वो जो एक दवाई आती है, इसमें जो मिक्स करते हैं जिसका नाम बोरिक पाउडर होता है, वो इस चावल में मिक्स किया जाता है, ताकि उससे कैसे जो मिक्स करते हैं तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं और हम इसे अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं काफ़ी टाइम तक। सो हम लोग अभी वही कर रहे थे, मम्मी देखो कैसे मिक्स कर रही है, दवाई डाल रही है, तो हम लोग पूरा मिक्स करने का काम कर रहे थे। और मिक्स करने के बाद ये सब जो चावल है वो अंदर स्टोर के लिए जाएगा, तो इसे फिर हम काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ होती है कि जब इसे बनाने की बारी होती है ना, तो ये चावल को अच्छे से वॉश करना पड़ता है ताकि उसमें जो दवाई डली रहती है वो अच्छे से वॉश हो जाए। देखिए मेरा कितना पसीना पसीना हो गई थी मैं। पर एक्चुअली फ़ैन हम लोग ने बंद करके रखे थे, वो दवाई और उसकी जो डस्ट उड़ रही थी तो वह नाक में पूरी आ रही थी इसीलिए। तो मम्मी मुझे बोली कि आप मुझे भर भर के दो, तो मैं अंदर डाल के आती हूँ ड्राम में। सो मैं मम्मी को फिल करके दे रही थी डब्बों में, गंजे में, तो मम्मी वो अंदर डाल के आने का काम कर रहे थे। तो ऐसा मेरा आज का दिन था ये वाला। आई होप कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जो मैं ऐसे अपना शेयर कर रही हूँ काम के साथ में। इसके आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने डेली ब्लॉग्स आपके लिए लेकर आऊँ, ताकि आपको भी पता चले कि मेरा डेली रूटीन्स क्या क्या होते हैं। सो मैं ट्राई तो कर रही हूँ, अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, और बहुत जल्द मैं इसे प्रेजेंट भी करूँगी आप लोग के सामने। सो आज का ये छोटा सा ब्लॉग था मेरा। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट होने में आ गया था, ये पूरा ख़त्म होने में आ गया था, ये लास्ट स्टैंडर्ड था। तो इसे मैं कवर कर रही हूँ पूरा, मतलब जमा कर रही थी एक जगह, देखिए पूरा फैल चुका था, तो अभी से जमा कर रही हूँ। अभी पूरा हो गया साफ, तो थोड़ा क्लीनिंग कर लेती हूँ कि देखिए पूरा डस्ट फैल चुका था, वो पाउडर पूरा हो चुका था, तो उसकी साफ सफाई कर रही थी मैं। और मेरा 4 बजे का कॉन कॉल भी था, ये आप बोलोगे पानी की बॉटल में बीच में लेकर आ गए थे। एक्चुअली घर का काम शुरू है तो लेबर्स ने पानी मांगे थे, तो मैं उनको बॉटल ला के दे रही थी। तो मेरा 4 बजे का कॉन कॉल था, एक्चुअली हमारा डेली कॉन कॉल होता है वर्क फ्रॉम होम शुरू है, तो मैं उस चीज़ के लिए फटाफट अपना काम कंप्लीट कर रही थी कि मुझे लेट नहीं होना चाहिए करके। तो मैं फटाफट देखो चावल लगा रही थी ताकि मैं फटाफट थोड़ा क्लीन कर लूँ और फ्रेश होके फिर बैठ जाऊँ। तो मैंने क्लीन करके मैं फ्रेश होने आ गई थी। फ्रेश होके देखो मैंने पूरा क्लीन भी कर लिया था अपना पूरे हॉल को, एक्चुअली हम लोग हॉल में ही कर रहे थे, तो मैं देखिए मैंने पूरा क्लीन भी कर लिया था। मैंने हॉल कॉल की अपनी तैयारी करके रखा था, डायरी वगैरह हेडफोन वगैरह सब मैं सामने ला के रखी थी। सो 4 बज गया था, तो मैं अब कॉन कॉल ज्वाइन करने के लिए बैठ रही थी। तो देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि मैं कैसे ज्वाइन कर रही थी। एक्चुअली हमको एक लिंक आती है, लिंक रहती है हमारी, वो लिंक में हम लोग ज्वाइन करते, तो हमारे सारे जो DMs होते हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, और सारे जो हमारे कलीग्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, वो एक साथ हम लोग मिलते हैं। देन हमारे डेली के जो रूटीन्स होती है, मीटिंग्स होती है, डेली के अपडेट्स हो रहा अपडेट रहता है वो हमको मिलते हैं। और हमारा जो स्टोर है वो बहुत अच्छा है, जिसमें हमको फुली सपोर्ट मिल रहा है अच्छे तरीके से। अभी कोविड में भी हमको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, और ऐसा भी नहीं है हमारे स्टोर मैनेजर्स हमको डेली पूछते रहते हैं कि आप कैसे हो क्या हो,
तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये कॉन कॉल में भी हम लोग ज्वाइन करके बहुत मज़े भी करते हैं और लर्निंग भी लेते हैं काफ़ी सारी, जो बहुत अच्छी होती है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही थी कैसे मैं करती हूँ करके। तो फाइनली मेरा अभी कॉन कॉल भी खत्म हो गया है, रिलैक्स करके। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा आज मेरे साथ टाइम स्पेंड करने में। काफ़ी टाइम से बहुत बिजी थी, जब मैंने काम किया अभी कोई काम किया, चार बजे से मैं कॉन कॉल अटेंड कर रही थी और अभी फाइनली स्टॉप हो गया है। अब मैं चलती हूँ, ये बर्तन रख के मांझी को मान लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर से। वैसे मुझे थोड़ा भी बनाना था, इंस्टा रील बनाना था और मोस्टली थोड़ी सी वीडियो अपलोड करनी है, तो वो करती हूँ मैं अभी थोड़ी देर से। सो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर से, बाय। सो सारा काम होने के बाद मेरा शैंकी पीछे पड़ा था, उसे बाहर घूमने जाना था, तो मैं उसे बाहर लेके जा रही हूँ अभी। सो देखिए वो अब किस तरीके से मुझे बाहर घुमा रहा था। एक तो लॉकडाउन की वजह से देखो बाहर ट्रक इतना साइलेंट है। हमारा जो एरिया आता है, मतलब ना नागपुर से 16 किलोमीटर दूर पे आता है, तो एक विलेज जैसा ही होता है, मतलब विलेज जैसा ही बोल सकते हैं उसको। थोड़ा डेवलप हुआ है और थोड़ा हो रहा है, चल रहा है। सो इस तरीके से है कि मैं जब ऊपर जाऊंगी अपने घर पे टेरेस पे, तो मैं आपको ऊपर का व्यू भी किसी दिन दिखाऊंगी। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।